नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिप्रा कुंवर है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 80-90% यानी कि 80-90% महिलाओं को PMS का प्रॉब्लम होता है और आज हम इस वीडियो में PMS और PMDD के बारे में जानेंगे। PMS और PMDD दोनों एक तरह से कहा जाए तो एंड्स ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम है। अगर हम कहें कि PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम माइल्ड सिम्टम्स हैं और PMDD उसी के सिवियर सिम्टम्स हैं। PMS होता क्या है? पहले तो PMS में कई तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना और फिजिकल सिम्टम्स में थकान लगना, ब्लोटिंग होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना। और अगर यही सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं या सारे के सारे हैं और आपकी डेली एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, आप दिन का काम नहीं कर पाते या आपकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हैं, तो यही PMDD यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है। हाँ, लेकिन PMDD बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ द सेम डिजीज, मतलब जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको अगर उनकी सिवियरिटी देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगी। वो रिलेशनशिप्स को हैम्पर करेगी और आपका काम करने में भी दिक्कत कर सकती है। PMS और PMDD अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में फ़र्क आ रहा है, आपके बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये एंगर इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। PMS और PMDD का इलाज के लिए हम इनको दो भागों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ केयर टिप्स। तो सेल्फ केयर टिप्स के लिए हम अपनी डाइट में क्या क्या डाल इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डाइट में हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और साथ में हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हमारा ब्राउन राइस है, नट्स हैं, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे अगर हम जोर दें तो हमें इसकी पूर्ति होगी। साथ में एक्सरसाइज के लिए योगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन से कामिंग इफेक्ट होता है, इसलिए मेडिटेशन से एंगर और डिप्रेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। साथ ही में अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी इसमें बहुत महत्व है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की वजह से जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव हो रहा है उसको बर्थ कंट्रोल पिल्स रोक देती हैं और उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। यही नहीं, आगे अगर आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो साइकैट्री रेफरेंस या साइकोलॉजिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं और ये आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि बातचीत से भी इन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर इसे आराम नहीं मिलता है तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ PMDD है तो कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं और ये हार्मोन के इंजेक्शंस की वजह से पीरियड्स एकदम बंद हो जाएंगे। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में यूट्रस या ओवरीज निकाल कर भी PMDD का इलाज किया जाता है, बट वो बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है। यूजली अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जैसे आपके पेरेंट्स में भी डिप्रेशन था, आप एक्सरसाइज कम करते हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या ओबेसिटी है, तो आपको PMDD होने के ज़्यादा चांसेस हैं।
पीएमएस और पीएमडीडी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो केयर गिवर यानी कि हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि पीरियड से पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पीरियड्स ख़त्म होते ही वो प्रॉब्लम्स चली जाती हैं। तो केयर गिवर्स हमें बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, हमें वो सपोर्ट करेंगे कि पीएमएस में, और साथ में ही इनकरेज भी करेंगे कि हम ट्रीटमेंट लें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने केयर गिवर्स को, अपने क्लोज रिलेटिव्स को ये बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है।